समाज के हमारे बच्चे, क्योंकि आर्थिक रूप से भी कमजोर कई परिवार है, और इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर है तो वो सुविधाओं के पात्र है, और इसलिए आपके साथ मिलकर योजना बनाएंगे, क्रमशः छात्रावासों की स्थापना की जाएगी जहां हमारे बच्चे भी पढ़ सकते। राज्य सरकार की जितनी परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं, जिसमें हमारे बच्चे भाग लेते हैं, उनमें से आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनसे परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐतिहासिक तथ्यों और क्षत्रिय महापुरुषों की वंश परंपरा से अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो कानून उसके खिलाफ काम करेगा, यह मैं सुनिश्चित कर दूंगा। विद्यालय और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में, पाठ्यक्रम निर्धारण समिति में, क्योंकि कई बार ये देश का दुर्भाग्य है, और मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे तकलीफ है यह कहते हुए कि जिन लोगों का शासन 50 सालों तक यहां रहा उन्हें इतिहास के साथ छेड़छाड़ की। हमारे महापुरुषों का इतिहास सही तरीके से नहीं लिखा गया, कई जगह विकृत करके दिखाया गया। अकबर महान कहां से महान हो गया? महान तो महाराणा प्रताप है जी, अकबर कहां से महान हो गया? और इसलिए पाठ्यक्रम समिति में एक प्रतिनिधि आपका रहेगा, और जहां जहां पाठ्यक्रम आगे लिखा जाएगा सही करने की जरूरत हो वो किया जाएगा जी।